अम्मा, मैंने मैंने बहुत दस्तक दी, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। ये 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 मेरे हाथ। पता था नहीं खुलेगा दरवाजा। क्यों क्यों अम्मा? तुम नहीं समझोगी बेटी, तुम नहीं समझोगी। उन्होंने जानबूझ के नहीं खोला, वो नहीं चाहते थे मैं उनके घर आऊं। अम्मा, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी, अम्मा कभी माफ नहीं करूंगी। आपको मन्नू उम्र भर माफ नहीं करेगी भाई। मैं भी ये चाहता हूँ। आप पागल हैं, बिल्कुल पागल हैं आप। पता है मुझे मन्नू कहाँ है? कमरे में है, बुलाऊं उसे? नहीं, रहने दो। खाना जरूर खिला देना उसे। मैंने शहाब साहब को फोन किया था। शहाब साहब को क्यों फोन किया आपने? मन्नू के लिए। लेकिन हम लोगों ने तो ये फैसला किया था ना कि मन्नू की शादी वहां नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन उनको मन्नू पसंद आई थी और हमारे पास उससे बेहतर और कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन भैया ना, आप तो कह रहे थे कि उसके पास कोई खास डिग्री नहीं है, तो जल्दी क्या है, हम इंतजार कर लेते हैं। पढ़ लिख कर भी तो उसने अपना कारोबार ही संभालना था ना, हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। मुझसे मन्नू का दुख नहीं देखा जा रहा। आपने बिल्कुल सही फैसला किया है। इन लोगों का क्या है, दो चार दिन में दिल बदल गया, दोबारा हमारी मन्नू के पीछे पड़ गए। तो वो तो अभी भी पीछे नहीं पड़े। तुम चुप बैठो, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। खुद तो बिगड़ी हुई है, उसको भी बिगाड़ दिया इसने। चुप हो जाओ सालिया, तुमसे शर्मिंदा कर रही हो। माफ कीजिएगा, आपके खानदान में तो बेटियों को सर पे चढ़ाया जाता है, जब ही सबका ये हाल है। भाभी ये कैसी बातें कर रही है? बिल्कुल सही कह रही हूँ, आपने सही किया उनको फोन करके। यहाँ से जाएगी, जगह बदलेगी, माहौल बदलेगा, थोड़े दिनों में जहन भी बदल जाएगा। तो फिर मैं बात करूं मन्नू से? नहीं नहीं, आप रहने दीजिएगा, आप तो उसके दो आंसू देख के पिघल जाएंगी। मैं खुद बात करूंगी उससे, और खबरदार जो तुमने उससे एक भी बात कही, गिच्ची मड़ोड़ देंगी तेरी। सालिया, ऐसे बात करते हैं बेटियों से? हो, तुमने आइंदा इस तरह से उससे बात की ना तो मैं तुमसे बात करनी छोड़ दूंगा। पक्की हो गई नौकरी? आपने बहुत बुरा किया उसके साथ, आपके साथ भी कभी भी अच्छा नहीं होगा। दिमाग सही है, पागल तो नहीं हो गई? अपने भाई को कोस रही है। तो हमें इन्हें भी तो समझ में नहीं आ रही, ये क्यों जिद पर अड़े हुए हैं? दिमाग खराब ना करो, जाओ यहाँ से, और खबरदार जो आइंदा इससे उल्टी सीधी बात की तो। अब तो आप यही कहेंगी ना, भाई तो पहले ही आपके लाडले थे, अब तो इनमें चार चांद लग गए होंगे मन्नू को इनकार करने के बाद। इसने जो किया बिल्कुल ठीक किया, और आज के बाद एक लफ्ज ना सुनूं इस बारे में। अम्मी, वो मेरी इफ्तिखार से बात हुई थी तो मुझे कराची जाना पड़ेगा। यहाँ से भागने के लिए कर रहे हैं ना आप ये नौकरी? बाकी भी मेरी मदद कर देना। कोई मदद नहीं करूंगी मैं आपकी, हाथ भी नहीं लगाऊंगी आपके एक भी काम को। मैं करा दूंगी पैकिंग, जाना कब है? जल्द। ठीक है, तुम्हारे अब्बा से कह के तुम्हारा टिकट करा देती हूँ। शुक्रिया। आप बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूंगी। सो नहीं रही? मुझे नींद नहीं आती सारा माजी।
आपकी तरह मैं भी सारी सारी रात जागती रहती हूँ। सुनो, आपको नवान भाई लेने क्यों नहीं आते? समझते हैं मैं जाना ही नहीं चाहती। समझती तो मैं भी यही थी, खुद पे पड़ी तो समझ आई आपको चले जाना चाहिए। सारा बाजी, अगर उसने भी दरवाजा नहीं खोला तो? आपकी बात अलग है सारा बाजी, आप उनकी बीवी हैं। तुम्हारी बात भी अलग है मन्नू, वो तुम्हें चाहता है। ऐसी चाहत का क्या फायदा, मुझे नहीं चाहिए ऐसी चाहत। एक बात कहूं, किसी को बताओगी तो नहीं? मेरा फिर से रिश्ता आ रहा होगा। हाँ, वही लोग दोबारा आ रहे हैं जो पहले आए थे। अच्छी सजा चुनी है मेरे लिए, प्यार से गला काट दो, हाथ चूहा पर कीले ठोकर सूली पर चढ़ा दो। ऐसा प्यार किया जाता है हमसे? प्यार की इंतहा ये कि हमारी बेहतरी के लिए हमें जिंदा कब्र में गाड़ते। तो मना कर देना, कह देना तुम अभी पढ़ना चाहती हो, एक दो साल शादी आगे बढ़वा लो, तब तक सलाउद्दीन के भी हालात बेहतर हो जाएंगे। आप भूल रही है सारा बाजी, उन्होंने मेरे लिए दरवाजा नहीं खोला था। तुम्हें पता है उसने क्यों नहीं खोला था? मैं उनके घर तक गई थी, कोई लड़की जाती है इस हद तक, मैं गई थी। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो सब कहेंगे मैं वो कर लूंगी। इस तरह मत करो मनु, पहले आप मुझे समझाती थी और आज आप कह रही। हाँ, समझा रही थी, लेकिन अब लग रहा है कि तुम सही कह रही थी। मनु, तुम्हें पता है ना वो जा रहा है मुझे छोड़ के हमेशा के। हाँ, बताया था, याद आया। बेवकूफी वाली बातें मत करो मन्नू, वादा करो, वादा करो इस रिश्ते से तुम इनकार कर दोगी। अच्छा, कर लेती हूँ वादा। खुश? हाँ, खुश। सत्या नाश किया हुआ है फूलों का। वालेकुम सलाम। सबको दे रहा, खुदा का शुक्र है तुमने भी कपड़े बदले। सलामुकुम चाची। जीती रहो, जीती रहो। वालेकुम सलाम। चाची, मुझे आपसे बात करनी है। मुझे पता है तुमने क्या बात करनी है। इस वक्त मैं तुम्हें बहुत बुरी लग रही हूँ, लेकिन कुछ अरसे के बाद माई समझ में आ जाएगा मैंने तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं की। देखो, अभी भी कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम सलाउद्दीन से शादी तो मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ जिनका दोबारा रिश्ता है। सारा ने बता दिया, मना किया था मैंने, मैं उनके कहने पर ही मानी हूँ। चलो शुक्र है, कोई तो ढंग का काम किया उस लड़की ने। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या?
आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी, लेकिन बदले में आपको सारा बाजी को उनके ससुराल भेजना होगा। मन्नो मन्नो बेवकूफी की बात मत करो। भाभी देखें क्या कह रही है। क्या हुआ? बेवकूफ तो मैं शुरू दिन से थी चाची, अकलमंद होती तो ये सब कुछ ना होता जो आज हुआ है मेरे साथ। और जहां इतनी बेवकूफियां की हैं, वहां पर एक और सही। आप सारा वजह के लिए हाँ कर दें, मैं रिश्ते के लिए हाँ कर दूंगी, वरना मेरी तरफ से ना। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, इतनी बड़ी कुर्बानी। तुम खुश नहीं रहोगी तो मैं कैसे खुश रहूंगी मन्नू? कैसे वो रहेगा? मेरे दिल की तमन्ना, उसे वो सब कुछ मिले जिसके लिए उसने उसने मुझे छोड़ दिया। गाड़ी, बंगला, पैसा, सब कुछ। सिवाय मेरे। तो तुम उसका बदला ले रही? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी मनु। जब उसे फर्क ही नहीं पड़ा कि मैं उसे सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगी, तभी चाहे सारी जिंदगी आप मुझे माफ ना करें, उसे भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो कहते हैं मेरे लिए यही सही है, तो ठीक है फिर यही सही होगा। अरे मुंह तो मीठा करवाओ ना। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, सबसे पहले तो मैं आपका मुंह मीठा कराऊंगी। ये ले लो बेटा, तुम भी करो। और आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, हम मिनाहिल को बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह रखेंगे। हमारी वैसे भी कोई बेटी नहीं है, यूं समझिए कि आपने हमें बहू नहीं बेटी दी है। वो पता है कि आपके ना आपके और हमारे अकेले में मिलने बड़ा फर्क है, तो बेटी से कोई भूल चूक हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप, कुछ दिन तो लगेंगे, वो हमें समझ जाएगी और हम उसे। वैसे आपने हाँ करके हमें जितनी खुशी दी है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे मिकाइल के लिए मिनाहिल जैसी ही बहू चाहिए थी, और मुझे आप लोगों जैसा खानदान। सारा मन्नो को ऊपर ले जाओ। वैसे मैं खुद बहुत हैरान था कि आपके वालिद साहब ने मुझे खुद से कहा कि जाओ जाके घर देखा। ही इज वेरी नाइस, एज इन के वो ये चाहते भी थे कि मैं आपसे अकेले में बात करूं, और कह भी नहीं रहे थे। इनफैक्ट मैं खुद भी चाहता था आपसे अकेले बात करना, लेकिन जो लास्ट टाइम हुआ उसके बाद काफी ऑकवर्ड था। बट सिंस ये आइडिया आपके घर वालों की तरफ से आया तो मैं बच गया। ये आइडिया मेरी तरफ से आया, घर वालों की तरफ से नहीं आया। ओके दैट्स इंटरेस्टिंग, तो बताइए क्या बात करना चाहती हैं? कुछ नहीं। क्या मतलब? मेरा मतलब है मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आपके साथ कहीं जाना है। कहाँ? अपने टीचर के पास। टीचर? हाँ, मैं उन्हें बचपन से जानती हूँ और उनसे बेहतर मुझे कोई भी नहीं जानता।
मैं चाहती हूँ कि आप उनसे मिलें, ताकि मैं उनसे पूछ सकूं कि आप मेरे लिए मुनासिब हैं भी कि नहीं। तो आप उन्हें यहाँ बुलवा लेती, क्या मसला था? मसला था, मैं उन्हें यहाँ नहीं बुला सकती, चाहकर भी नहीं उन्हें यहाँ बुला सकती। क्यों? बस आप चलेंगे ना? ट्रस्ट मी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आप ये देख लें कि आपके घर वालों को कोई एतराज ना हो। हम छुपकर जाएंगे। छुपके? छुपकर ही जाना है तो किसी अच्छी जगह चलते हैं और वहां चल के बातचीत करते हैं, खुद फिगर आउट करते हैं कि वेदर हम एक दूसरे के लिए मुनासिब हैं कि नहीं, रादर देन किसी टीचर के पास जाने की क्या जरूरत है। मुझे जरूरत है, मैंने आज तक कोई भी काम के पूछे जाने बगैर नहीं किया। मेरा चलना, उठना, बैठना, बात करना सब उनकी पसंद से होता है। वाह, अब तो मैं भी जरूर मिलना चाहूंगा आपके टीचर से। वो मुझसे मिलकर आपको बताएंगे कि क्या मैं आपके लिए मुनासिब हूं कि नहीं, और मैं उनसे मिलकर आपको बताऊंगा कि वो मुझे कैसे लगे। इसकी जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि वो कैसे हैं। आप कब चलेंगे? जब आप कहें, आज, कल, परसों, बंदा आपकी खिदमत में हाजिर। आप तो ऐसे पैकिंग कर रहे हैं जैसे हमेशा के लिए जा रहे हो। कमरा तो खाली करना है ना भैया? नहीं करना ना भाई। देखो, अगर मेरे पीछे तुम्हारी शादी हो जाए और तुम्हारा और तुम्हारे शौहर का दिल करे कि हमें इस कमरे में रहना चाहिए, तो कमरा तो खाली होना चाहिए ना। आप हमेशा इतने दूर के क्यों सोचते हैं? इस तरह होगा तो यूं हो जाएगा, उस तरह होगा तो यूं हो जाएगा। इतनी दूर अंदेशे किस काम के कि आपको पास से खुशी नजर नहीं आती? तो मैं अपनी खुशी से कमरा खाली कर रहा हूँ पागल। अच्छा, मैं पागल हूँ? मनु पागल है, हम सब पागल है, सिर्फ एक आप ही नॉर्मल है। चले जाइए, वापस कभी भी मत आइएगा। भैया 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 कैसी बहन है? हर वक्त डांटती है, हर वक्त कोसती रहती है, हर वक्त बद्दुआएं देती रहती है। कभी सोचा है कि अगर तुम्हारी ये सारी बद्दुआएं मुझे लग गई तो मेरा क्या होगा? अल्लाह ना करे भाई, आपको कुछ भी हो, आपको मेरी भी उम्र लग जाए, प्लीज ऐसा मत करें। थोड़ा तेज चलाए ना, आज तक क्यों चला रहे हैं आपने उन्हें टाइम दिया हुआ क्या? नहीं तो फिर जल्दी किस बात की है? ये तो सामने गली है ना, बस वहां से राइट कर दो। अगर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो क्या आप मुझसे शादी करने से इनकार कर देंगे? अगर उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया तो इसका मतलब है कि वो नहीं चाहते कि मैं कहीं और शादी करूं। कहीं और क्या मतलब? मतलब कि वो चाहते हैं कि मैं भी और पढ़ूं। तो मैं उनको यकीन दिला दूंगा कि आपकी स्टूडेंट को शादी के बाद भी पूरी इजाजत होगी पढ़ने की। उन्हीं से? आप उन्हीं से पढ़ना चाहते हैं? हाँ। तो ठीक है, उन्हीं से पढ़ लीजिएगा। आप उनसे बात करेंगे? वाओ, सुना था, लेकिन आज पहली दफा देखा है किसी स्टूडेंट को अपने टीचर से इतनी मोहब्बत करते हैं। अरे मन्नू, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मेरा नाम मिकाइल है, आपकी स्टूडेंट मुझे आपसे मिलाने लेकर आई। मन्नू मेरी स्टूडेंट नहीं है,
इसका टीचर वो है सलाउद्दीन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मिकाइल जी आइए प्लीज आइए अंदर। मनु चलो आओ। बैठिए आप। बहुत बहुत मुबारक हो। असल में जब से मैंने खबर सुनी है मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आप। कितनी खुशी? सर बहुत शरारती है ये, लेकिन बहुत समझदार और बहुत लायक है। पढ़ाई में भी सबसे अच्छी है और बल्कि मेरी बेहतरीन स्टूडेंट है ये, है ना मनु? हाँ, फिर भी ये मुझे बेवकूफ समझते हैं। बेवकूफ क्यों? मैं कब बेवकूफ समझता हूँ तुम्हें? इनके ख्याल में मैं सिर्फ पैसों के साथ ही खुश रह सकती हूँ, उसके बगैर नहीं। बात तो ठीक कह रहे हैं, खुश रहने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। मेरे लिए नहीं, मुझे जिंदा रहने के लिए बस दो वक्त की रोटी चाहिए। ये गरीब इंसान के लिए मुनासिब दो वक्त की रोटी कमाना आजकल बहुत मुश्किल है। हाँ ना, मैं भी तो यही समझाता हूँ, इसको समझती नहीं। क्यों नहीं समझती भाई? ट्यूटर की बात को तो समझना चाहिए, और आप ही ने तो कहा था कि बहुत ज़हीन स्टूडेंट हैं आपके। नहीं, समझदार बहुत है, बस जरा नाराज है मुझसे। मेरा हक है नाराज होने का। आप इसके ट्यूटर ही हैं ना? दोस्त ज्यादा लग रहे हैं। हमारी फैमिलीज की आपस में बहुत पुरानी दोस्ती है, इसीलिए बेतकल्लुफी है हम दोनों में। जब आप दोनों की शादी हो जाएगी तो हमारी भी इतनी दोस्ती और बेतकल्लुफी होगी। मतलब आप चाहते हैं कि मैं इनसे शादी कर लूं? हाँ हाँ, जाहिरी बात है, इससे बेहतर तुम्हें और कोई नहीं मिलेगा मनु। क्या आप ये बात मेरी आंखों में देखकर कह सकते हैं? मनु, कैसी बातें कर रही हो तुम? अब तुम सिर्फ इनकी आंखों में देखो, मेरी नहीं। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या आप चाहते हैं कि मैं सारी जिंदगी के लिए इनकी हो जाऊं? हाँ, देखो इन्होंने तुमसे वादा किया है कि तुम्हें आगे खुद पढ़ाएंगे, तो फिर मुझे क्या एतराज हो सकता है? असल में और कोई बात नहीं है, इसको पढ़ने का बहुत शौक है आगे, और आप ही से पढ़ने का बहुत शौक है। दरअसल इसी ने मुझसे कहा था कि मैं आपसे बात करूं। शादी के बाद तो फिर आपको हमारे घर में ही रहना पड़ेगा। क्यों, क्या ख्याल है मनाए? असल में वैसे ही बहुत जज्बाती है, ऊपर से शादी भी हो रही है इसकी, इसका दिल चाह रहा होगा कि मैके से कुछ ना कुछ अपने साथ ले जाए, इसलिए मेरा नाम ले रही है ये। लेकिन बीबी देखो, मैं बिल्कुल फारिग नहीं हूं और तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, मुझे और भी बहुत काम है। मुझे ऐसे बात नहीं कर रहे मनु, कैसी बातें कर रही हो तुम? उनको तुमने कितना हैरान और परेशान कर दिया, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो। नहीं,
मैं सोच रहा हूँ कि जरूर ऐसी कोई बात है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। देखिए और कोई बात नहीं है, सो जज्बाती है, शादी के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चलो मनु उठो, अब बहुत देर हो रही है, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार करेंगे, तुम्हें घर जाना चाहिए। चलो उठो। मिकाइल, सो सॉरी यार, मैं चाय भाई नहीं पूछ सका, असल में घर में कोई है नहीं। कोई मसला नहीं, मैं दोबारा आऊंगा, सारी बातें करेंगे इंशाल्लाह। आप साथ चलेंगी के बाद में आएंगी? क्या मतलब बाद में आएंगी, सारी बातें साथ चलेंगी। चलो उठो मनु, आओ। प्लीज शादी से इनकार कर दीजिएगा। क्यों भाई, क्या हुआ, कैसा रहा? हमारा बेटा इम्तिहान में पास हो गया या उसके टीचर ने फेल तो नहीं कर दिया कहीं? अम्मा जो भी हुआ बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। अच्छा क्या हुआ? मुझे लगता है वो मुझसे शादी ही नहीं करना चाहती। वो मुझे अपने टीचर के पास इसलिए लेकर गई थी कि वो मुझे डिसप्रूव कर दे, लेकिन उन्होंने मुझे पास कर दिया। यू आर वेरी फनी मिकाएल। नो आई एम सीरियस। एंड द फनी पार्ट इज के उसके टीचर ने मुझे पास कर दिया, उसके बाद वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि मैं उसे फेल कर दूं। ऐसा क्यों? पता नहीं, आप ऐसा कीजिएगा कि आप मिनाहिल की फैमिली को कोई भी एक्सक्यूज बनाकर मना कर दें। नहीं मिकाएल, वो बहुत अच्छी लड़की है। मैं जानता हूं कि वो आपको क्यों पसंद है, लेकिन खैर उनको बता दें कि मिनाहिल मुझे नहीं पसंद। मैं झूठ बोल दूं उनसे? तो आप क्या चाहती हैं, मैं सच बोल दूं? देखो मिकाएल, तुम्हें दोबारा ऐसी लड़की नहीं मिलेगी, वो बेस्ट थी तुम्हारे लिए। थी, अब नहीं है। क्या करें? पागल हो, किसी ने देख लिया होता तो? देखा तो नहीं ना। शुक्र करो नहीं देखा। ताई कहाँ गई थी तुम? कहाँ गई थी तुम? ताई, ताई वो तुमसे नहीं पूछ रही हूँ, तुम चुप रहो। कहाँ गई थी मिकाएल के साथ, बताती हो या लगाऊं तो चाऊ पर? नहीं बताओ, बताओ। बिया के घर गई थी उनसे मिलवा। तुम सलाउद्दीन से मिलवाने ले गई थी? तुम्हारे दिमाग से अभी भूत नहीं उतरा उसका? क्या बताना था मिकाइल को कि ये है मेरा पुराना आशिक? अल्लाह माफ करे भाभी, कैसी बातें कर रही है, चुप हो जाए। ये बात कैसे कर रही है? उनसे मिलाने शौहर है तुम्हारा जो उनसे कर रही हो तुम। जाओ जाओ, जाके बिक जाओ उसके कदमों में। दरवाजा नहीं खोला था उस दिन, याद है ना? बेआबरू होके घर आई थी तुम। बाप ने उसी वक्त दो झांपड़ मारकर घर से निकाल दिया होता ना सीने से लगाने के बजाय, तो अकड़ ठिकाने आ जाती। अपनी और मेरी इज्जत का नहीं तो अपने खानदान की इज्जत का ख्याल कर लो, अपने बाप की इज्जत का ख्याल कर लो जो तुम्हें सर और आंखों पर बिठाते हैं। अम्मा
कर लेती हूँ। माफ कर दे, उसे भूल जा मेरी बच्ची, भूल जा उसे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैंने खानदान के मामलात में हमेशा तुमसे मशवरा किया क्योंकि मैं समझता था कि तुम बहुत समझदार हो, लेकिन मुझे यह नहीं मालूम था कि अपनी ही बेटी के मामले में मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। एक बात मुझे सच सच बताना, क्या तुम्हें मालूम था कि मनाहिल मिकाइल को साथ लेकर तुम्हारे पास आ रही है? अंदाजा था मुझे, लेकिन पता नहीं था। तुम उसे अपने ही बाप के इताब से बचाने की कोशिश कर रहे हो। देखो सलाउद्दीन, मैं जानता हूं कि मनाहिल के लिए तुमसे बेहतर रिश्ता और कोई नहीं, और अगर तुम उससे शादी करना चाहो तो मैं रास्ते में नहीं आऊंगा, बल्कि मैं उसको इतना कुछ दे दूंगा कि सारी जिंदगी उसे कमी महसूस ना। नहीं चाचा, नहीं प्लीज, ये तोहीन है मेरी। और आपने जो फैसला किया मन्नू के लिए वो बिल्कुल ठीक किया, उस पर कायम रहिए। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं तुम्हारे लिए इनकार कर रहा हूं। मुझे नहीं, तुमने अच्छा किया कि उसकी हौसला अफजाई नहीं की। मैं इसके लिए हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। इसके लिए यही बेहतर था चाचा। मैंने महज पैसे के पीछे बहुत सी शादियां टूटते हुए देखी है, और मैं नहीं चाहता कि मन्नू इस अजाब से गुजरे। मैं ये देख नहीं सकता। मैं भी नहीं देख सकता। मसला यह है कि उसने जो बेवकूफी की है उसकी वजह से शायद वो लोग रिश्ते से इनकार कर दें। चाचा, आपको लड़का पसंद है? तुम्हें पसंद नहीं आया? मेरी पसंद ना पसंद से क्या फर्क पड़ता? आप बताइए ना। मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं उसे सही तरीके से मिला नहीं, ना बैठ के कोई बातचीत की है उससे। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि जल्द अज जल्द मनाहिल की शादी हो जाए, और मेरे पास इसके अलावा और कोई रिश्ता नहीं है। आप ये कहें मुझसे डर कर तो नहीं कह रहे? नहीं, तुमसे डर नहीं, मुझे मनाहिल से डर है। कितना पढ़ा लिखा है? कुछ खास नहीं, लेकिन पैसा उनके पास बहुत है। चाचा, पैसे की वजह से रिश्ता ना करना तो समझ में आता है, लेकिन पैसे की बुनियाद पर रिश्ता करना कुछ मुनासिब नहीं है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। क्या तुम उससे मिल सकते हो? मैं? चाचा, आपिया मीन चाचा उससे मिलने तो बेहतर है। मैं मन्नू को तुमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। तुम ये तो नहीं चाहोगे ना कि उसको कोई जानती हो? लेकिन चाचा, जब इतना कुछ बर्दाश्त कर चुके हो तो ये भी बर्दाश्त कर लो। और अगर मुझे पसंद ना आया तो इनकार कर देना।